ठीक है। सबसे पहला था हीरालाल शास्त्री। जयपुर राज्य का गृह और विदेश विभागों का सचिव रहा था। वनस्थली जीवन कुटीर की स्थापना की थी, वनस्थली विद्यापीठ की भी स्थापना की थी। 1947 के अंदर संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1948 के अंदर जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने थे। 30 मार्च 1949 के अंदर राज्य की स्थापना का प्रथम मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है हीरालाल शास्त्री पे। ठीक है, फिर आता है सी एस वेंकटाचारी। 1922 के अंदर भारतीय सिविल सेवा से आए थे और उत्तर प्रदेश के अंदर नौकर शाह के बतौर सेवा दी है। बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे हैं। बीकानेर के सी एस वेंकटाचारी बीकानेर का प्रधानमंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रपति राज्य परिषद, ठीक है, बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री। जयनारायण व्यास, मारवाड़ हितकारिणी सभा, जोधपुर प्रजामंडल और यूथ मारवाड़ लोकसभा परिषद के संस्थापक। 1948 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे जोधपुर के और 1952 के अंदर प्रथम विधानसभा चुनाव के जालौर व जोधपुर से हार गए थे, जालौर और जोधपुर से, और टीकाराम पालीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे। किशनगढ़ के उपायुक्त उपचुनाव जीतने के बाद में पुनः मुख्यमंत्री बने 1 नवंबर 1952 के अंदर, किशनगढ़ में उपचुनाव जीतने के बाद में। फिर राज्यसभा के 2 बार सदस्य चुने गए थे जयनारायण व्यास। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रथम आम चुनाव में 140 निर्वाचित क्षेत्रों से 160 सीटों पर चुनाव हुए थे और जयनारायण व्यास सरकार की सरकार में मंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री भी बने। 2 बार MLA और 1 बार लोकसभा के सदस्य बने टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास भी रहा। मोलाल सुखाड़िया मुंबई के मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल हुए थे। मोलाल सुखाड़िया राजस्थान संघ के समय सिंचाई और श्रम में रहे। जयनारायण व्यास सरकार में राजस्व और सिंचाई मंत्री रहे थे। हीरालाल शास्त्री तो हीरालाल शास्त्री सबसे पहली बात तो है कि भाई अपना पहला मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री। ठीक है, दूसरा ये वनस्थली विद्यापीठ वाला है, फिर ठीक है, और इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। फिर आता है सी एस वेंकटाचारी ये बीकानेर के प्रधानमंत्री रहे थे, बीकानेर का PM। फिर आता है जयनारायण व्यास ये वही है जिसने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और यूथ लीग मारवाड़ की स्थापना की, यूथ लीग मारवाड़ की स्थापना की थी और लोक परिषद की संस्थापक भी थे और जोधपुर का प्रधानमंत्री भी रहा था, PM भी रहा था। और 1952 के अंदर जालौर से और जोधपुर से हार गया था और फिर उसके बाद हारने पर टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, टीका लगाने वाले को मुख्यमंत्री बनाया था और किशनगढ़ से उपचुनाव जीता था। फिर इन्होंने किशनगढ़ से उपचुनाव जीता, फिर उसके बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और दो बार ये सदस्य रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। टीकाराम पालीवाल पहला फर्स्ट ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, इलेक्टेड मुख्यमंत्री, और 140 क्षेत्रों पर निर्माण हुआ था, 160 सीटें आई थी और जयनारायण व्यास के सरकार के मंत्री रहे थे और 2 बार MLA और 1 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। फिर जयनारायण व्यास बना। फिर मोलाल सुखाड़िया इसके अंदर क्या हुआ कि मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल हुए थे ये मोलाल सुखाड़िया मेवाड़ प्रजामंडल में और जयनारायण व्यास की सरकार में भी रहे थे। जयनारायण व्यास के राम राज्य परिषद को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध हुआ था। राम राज्य परिषद को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध किया था और विश्वास मत से मोलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 मतों से हराया था। फिर मोलाल सुखाड़िया ने क्या किया था, 8 मतों से इसको हरा दिया था मोलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को। और राजस्थान में जमींदारी और विश्ववेदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया, विश्ववेदारी
एक तो जमींदारी, जमींदारी और विश्व वेदारी अधिनियम लाया गया, इसके समय पारित हुआ था 1959 के अंदर। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे थे। तमिलनाडु के भी राज्यपाल रहे, कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे और आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता यही है अपने मोहनलाल सुखाड़िया, मॉडर्न राजस्थान के। फिर आता है अपने बख्तुल्ला खान। ठीक है, जोधपुर का निवासी था बख्तुल्ला खान, जिसके हार्ट अटैक हो गया उनका और मृत्यु हो गई थी अपने पद पे ही। ठीक है, अलवर के तिजारा से विधायक थे बख्तुल्ला खान। फिर हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी बांसवाड़ा से 8 बार विधायक बने हैं और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार मुख्यमंत्री और 8 बार विधायक। विधानसभा के विपक्ष के नेता थे, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, और नाम जयपुर पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। ठीक है, और बैरती शेखावत 8वें मुख्यमंत्री थे और 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, उपराष्ट्रपति भी रहे थे बैरती शेखावत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे, और 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद रहने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी, 3 बार एकमात्र गैर कांग्रेसी, 3 बार विधानसभा के विपक्ष के नेता, विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। 2002 के अंदर उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर सुशील कुमार शिंदे को हराया था इन्होंने। 2007 के अंदर श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे 2007 में, और प्रतिभा पाटिल के साथ, और 2 बार विपक्ष के नेता भी रहे हैं ये। अब जगन्नाथ पाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया हरियाणा और बिहार के राज्यपाल रहे हैं, 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और पहले दलित मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी में वित्त और संचार मंत्रालय के मंत्री थे। अब आता अपने बख्तुल्ला खान। बख्तुल्ला खान कहाँ से? जोधपुर से था, और बेचारे की मृत्यु हो गई थी पद पे हार्ट अटैक से। फिर हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी बांसवाड़ा से लगातार 8 बार विधायक, 8 बार बांसवाड़ा से विधायक, और 3 बार तो ये क्या रहे, सीएम रहा हरदेव जोशी, 3 बार सीएम रहा, और विधानसभा में विपक्ष का नेता रहा, विपक्ष का नेता भी रहा विधानसभा में। ठीक है, असम, फिर मेघालय, वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे। ठीक है, फिर आता बैर सिंह शेखावत। बैर सिंह शेखावत ये 8वां मुख्यमंत्री था, जो कि 10 वर्ष तक एक रूप में कार्यकाल करते हैं, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे बैर सिंह शेखावत। मध्य प्रदेश की राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा है, एमपी की राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, और 3 बार विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे, 3 बार, 3 बार विपक्ष के नेता रहे ये। ठीक है, और 2002 में उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर सुशील कुमार शिंदे को हराया था, और 2007 के अंदर ये प्रदीप पाटिल से प्रेसिडेंट के चुनाव में हार गए थे, और 2 बार ये विपक्ष के नेता भी रहे हैं बैर सिंह शेखावत। फिर जगन्नाथ पाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया ये हरियाणा और बिहार के राज्यपाल रहे हैं, हरियाणा और बिहार के राज्यपाल रहे हैं, और 4 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, और राजस्थान के पहले पहले दलित मुख्यमंत्री थे, दलित सीएम थे, और इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर ये उप मुख्यमंत्री भी थे। फिर आता शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर ये मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और असम के राज्यपाल भी रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे, और शिक्षा, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, डेयरी, आयोजन आदि विभागों का मंत्री भी रहे थे। ठीक है, और इसने अपने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी बैठाया था, अध्यक्ष रहे थे उसके। हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल 15 दिन ही, बेचारा सिर्फ 15 दिन ही रहा, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहा बेचारा। ठीक है, हीरालाल देवपुरा हीरा था, एकदम डायमंड था, पर सबसे कम दिन टिका। फिर हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, फिर भैर सिंह शेखावत आया। फिर अशोक गहलोत, अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहा, और ये केंद्र सरकार के अंदर पर्यटन और टेक्सटाइल के मंत्री भी रहा है, और 5 बार लोकसभा का सदस्य भी रहा है, और ये राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर आते वसुंधरा राजे, ये केंद्र सरकार के अंदर विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री भी रही हैं, और 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, और 5 बार लोकसभा के सदस्य रही है, और केंद्र सरकार के अंदर लघु उद्योग, कार्मिक और प्रशिक्षण, पेंशन के रहे हैं, और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विभाग के रहे हैं, और भाजपा की अध्यक्षता रही है, राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं, और वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अशोक गहलोत।
फिर श्रीमती वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत लगातार। अब आता है शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर, इनका जन्म कहाँ हुआ? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर। दो बार तो ये मुख्यमंत्री रहे, सीएम, और आसाम के ये राज्यपाल रहे, आसाम के राज्यपाल रहे, और बहुत सारे विभागों के मंत्री भी रहे। और इनके टाइम पे ही अपने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा था, और उसके ये क्या रहे थे? चेयरमैन रहे थे। हीरालाल देवपुरा जिसका 15 दिन ही बेचारा कार्यकाल रहा, और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। वाह भाई, और देवपुरा यार तो अध्यक्ष भी बना था, अध्यक्ष। फिर हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और केंद्र सरकार के अंदर पर्यटन मंत्री भी थे, और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के 5 बार सदस्य रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। फिर आती वसुंधरा राजे, केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री थी वसुंधरा राजे, केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री थी वसुंधरा राजे, और 5 बार विधानसभा के सदस्य रही है, 5 बार विधानसभा के सदस्य, और 5 बार ही लोकसभा के सदस्य। वाह भाई, मजे कर दिया, 5 बार विधानसभा के सदस्य, 5 बार विधान लोकसभा की भी सदस्य रही है, और केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी रही हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अंतरिक्ष विभाग कार्य संभाला, भाजपा के अध्यक्ष भी रही हैं, विपक्ष के नेता भी रही हैं और रहे हैं। फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। फिर आता अपने सबसे राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री, वो है हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रथम टीकाराल पालीवाल, फिर सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का 17 साल, फिर न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का 16 दिन, ठीक है। अल्पसंख्यक मंत्री बख्तुल्ला खान, ठीक है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रथम गैर मुख्यमंत्री भैर सिंह शेखावत, पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भारत पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री बख्तुल्ला खान, 1975 के अंदर हरिदेव जोशी, प्रथम अनुसूचित जनजाति से जंगलात पहाड़िया, वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में रहे थे, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर, वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के प्रशासनिक सुधार के अंदर शिवचरण माथुर, वे मुख्यमंत्री जो नियुक्त मुख्यमंत्री नियुक्त होने के पूर्व विधायक नहीं थे, तो वो जयनारायण व्यास और अशोक गहलोत थे, ठीक है। मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल और 2 बार शपथ दिलवाई थी, एक राज्यपाल ने, वो मोहनलाल सुखाड़िया को दिलाई थी, और गुरुमुख निहाल सिंह ने दिलाई थी, ठीक है। वह मुख्यमंत्री जिसने MLA चुनाव नहीं हारे कभी भी, वो सुंदरा राजे, वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य रही हैं, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा की सदस्य रही हैं, हीरालाल शास्त्री, श्रीमती वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, वे मुख्यमंत्री जो कि राज्यसभा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, हीरालाल देवपुरा, वे मुख्यमंत्री जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, और एक और कौन सा था वो ऐड करना है, वे मुख्यमंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं, टीकाराम पालीवाल, वे उप मुख्यमंत्री जो कि मुख्यमंत्री कार्यकाल रहे हैं, अशोक गहलोत, राज्यपाल के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री अपना हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वो है अपना टीका लगाने वाला पालीवाल, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, 17 साल तक रहा। न्यूनतम कार्यकाल वाला अपने बेटा हीरा जैसा आदमी था, पर उसको थोड़े दिन ही टिकने दिया, 16 दिन ही टिका। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तो ये कोई अल्पसंख्यक परिवार से ही आएगा, वो है बख्तुल्ला खान, ठीक है। और बेचारे की पद पर ही मृत्यु हो गई थी, पद पर ही मर गया था। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री अपने वसुंधरा राजे, ठीक है। भारत पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री लड़ाई करने वाले खान आएंगे, तो वो था बख्तुल्ला खान, पद पर ही मृत्यु हो गई थी बेचारे की। 75 आपातकाल के समय बचाने अपने को आएंगे हरिदेव जी आपातकाल से बचानेंगे। अनुसूचित जनजाति से पहला पहाड़ी पर रहने वाला तो जगन्नाथ पहाड़िया, वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, तो वो अपने एक तो हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर जगन्नाथ पहाड़ी वाला, और फिर शिवचरण माथुर। वे फिर मुख्यमंत्री जो कि राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, वो है अपने शिवचरण माथुर
माथुर, वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने के पूर्व विधायक नहीं थे, तो वो तो एक थे अपना जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास फिर बाद में री इलेक्शन पे जीत के आया था, फिर अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। वे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के द्वारा 2 बार शपथ दिलवाई गई, 2 बार शपथ दिलवाई गई थी, वो है अपने राज्यपाल के द्वारा 2 बार जिसको शपथ दिलाई गई थी वो है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और दिलाने वाला कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। वह मुख्यमंत्री जो MLA चुनाव नहीं आ रहे हैं कभी, तो वसुंधरा राजे। वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो है जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, ठीक है। वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वो इसके अंदर आएगा अपना हीरा लाल शास्त्री, फिर श्रीमती वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत और टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल भी रहा है। तो हीरा, वसु, अशोक को टीका लगा। वह मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो हीरा लाल देवपुरा है, देवजीवपुरा, ठीक है। मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, एक तो है वसुंधरा राजे, एक अपना अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, और तीसरा अपना जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया भी रहा है। वे मुख्यमंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहा है वो है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री, जिस सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहे हैं, अशोक गहलोत के कार्यकाल में। राजस्थान के प्रथम कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री है, प्रथम कांग्रेसी वो है भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं टीकाराम पालीवाल। 3 बार, 3 बार से ज़्यादा बार CM रहे हैं, 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार CM रहने वाले कौन है? एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर अपने आता है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, फिर आता है अपने हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, आपातकाल वाले हरिदेव जोशी, ये तीनों रहे हैं। हीरा लाल देवपुरा के साथ में कंफ्यूज मत करना, हरी हरिदेव जोशी के साथ में कंफ्यूज मत करना, हीरा लाल शास्त्री में कंफ्यूज मत करना, तीनों कंफ्यूजन है दोनों। फिर टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री रहे और ये 1 नवंबर से 54 तक रहे, और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय जाता है और जयनारायण व्यास के समय रहे थे उप मुख्यमंत्री। हरिशंकर भाभड़ा, हरिशंकर भाभड़ा ये BJP से थे और भैरव सिंह शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे लंबी अवधि भी हरिशंकर भाभड़ा की है। बैनीलाल बैरवा ये कांग्रेस के थे और लोकसभा के सदस्य अशोक गहलोत के समय। कमला बैनीवाल ये भी कांग्रेस से और अशोक गहलोत के समय। सचिन पायलट ये भी कांग्रेस से और अशोक गहलोत के समय। और राजस्थान सरकार की पहली बार महिला मंत्री बनी है कमला बेनीवाल, और त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम की राज्यपाल भी रही हैं, गवर्नर भी रही हैं, ठीक है। सचिन पायलट जो कि केंद्रीय सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में टोंक से विधायक हैं। और अब तक उप मुख्यमंत्री कितने रहे? 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक महिला उप मुख्यमंत्री रही है कमला बेनीवाल, और एकमात्र उप मुख्यमंत्री रही है हरिशंकर भाभड़ा। उप मुख्यमंत्री जो कि सर्वाधिक कार्यकाल रहा है हरिशंकर भाभड़ा का। उप मुख्यमंत्री जो कि उप अशोक गहलोत के समय रहे हैं बनवारी लाल बैरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री किस किस समय रहे हैं? सबसे पहले अपना वाला देखा ही था अपन ने, जिसका डिमोशन हो गया था, तो टीकाराम पालीवाल, और ये उप मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास के समय, जयनारायण व्यास के समय। फिर आता है अपने हरिशंकर भाभड़ा, हरिशंकर भाभड़ा सबसे लंबा वाला, और फिर इसके ये रहे कौन? ये भारतीय जनता पार्टी से थे, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी से हरिशंकर भाभड़ा, और ये भैरव सिंह शेखावत के समय रहे। फिर आता है अपने बनवारी लाल बैरवा, बनवारी लाल बैरवा ये कांग्रेस के हैं और लोकसभा सदस्य रहे और अशोक गहलोत के समय। फिर आता अपने कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल ये क्या रहे कि त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम के राज्यपाल भी रही है, पहली महिला मंत्री भी रही है, ये भी अशोक गहलोत के समय रही है, ठीक है। फिर आता सचिन पायलट, सचिन पायलट ये भी अपना केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, टोंक से विधायक हैं, ये भी अशोक गहलोत के समय रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री पद अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दे रखा है। अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? 5 उप मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला कमला बेनीवाल, और एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो है अपना
विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो हरिशंकर भाभड़ा। उप मुख्यमंत्री की सर्वाधिक कार भी अपने हरिशंकर भाभड़ा की ही है। अशोक गहलोत के समय 3 उप मुख्यमंत्री रहे, एक तो बनवारी लाल भैरवा, एक श्रीमती कमला बेनीवाल और एक है सचिन पायलट।